नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय क्रिएशंस में। और मैं आज आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरा प्लाजो है जो डेली वेयर में मैं यूज़ करती हूँ। तो इसकी कंडीशन अभी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी इलास्टिक आप देख सकते हैं काफ़ी ढीली हो गई है, फैल गई है। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है घर में। तो आज की ये वीडियो मेरी इसी बारे में है कि अगर आपने रेडीमेड कोई पैंट या प्लाजो लिया है जिसमें इलास्टिक का यूज़ हुआ है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स की वीडियोज़ डालूँ और भी वीडियोज़ डालूँ अपने चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने मार्केट से परचेज किया है ये इलास्टिक, जो कम से कम 2 इंच की है, 1.5 से 2 इंच की है, 1.5 इंच की है शायद, मैं आपके देख लेते हैं। मार्केट में किसी भी सिलाई की दुकान से आपको मिल जाएगी, लगभग 1.5 इंच की है ये, 1.5 इंच से थोड़ा कम है। तो ये चौड़ी वाली इलास्टिक हम इसमें डालेंगे। तो ये 10 रुपये मीटर आपको किसी भी सिलाई की दुकान से मिल जाएगा। आप चाहे तो 1 इंच वाली भी डाल लें, उससे कम ना डालें, क्योंकि उससे कम बनाएंगे तो आपको ही फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्लाजो है, तो सबसे पहले देख सकते हैं पीछे की तरफ से जो सिलाई इसमें दी हुई है, यहाँ पे इंटरलॉक किया हुआ है। इस सिलाई को हम सबसे पहले खोल लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आपने, हमने यहाँ पे सिलाई जो है वो खोल ली है। ये और ये हमारा रहा ऊपर का पट्टा, और ये हमारी पुरानी इलास्टिक जो कि आप देख सकते हैं काफी ढीली हो गई है। तो इसे हम पहले कट करके निकाल देंगे। ये बचा हमारे पास जो है वो ऊपर का कपड़ा। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कपड़ा नहीं बचता है, तो आपके पास कोई भी ऐसा बचा हुआ कपड़ा है जिसे आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से 4 इंच का एक कपड़ा बेल्ट काट लें और उसको यूज कर लें। इसको खोल लें अच्छी तरीके से। अब हमें जो है इसे है वो प्लाजो के, ये जो हमारा प्लाजो का छोर है ये यहां से जॉइंट है, आप देख सकते हैं ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। आपको ये ऐसे रख लेना है, और यहाँ पे किनारे पे सिलाई चला के इसे जोड़ते जाना है। देखिए, इस किनारे पे सिलाई चला के आपको जोड़ते जाना है, बीचों बीच से ही रखें और सिलाई चलाएं। देखिए, तो
तो मैं इस पे सिलाई चला देती हूँ। ये देखिए हमने जोड़ के जो है वो रेडी कर लिया है। तो एक तरीके से ये हमारा पूरा जुड़ गया है। अब बारी है हमारे इलास्टिक की। तो हम यहाँ प्लास्टिक हमें मेरी कमर है 31 इंच की, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से 3 से 4 इंच कम करके, यानी कि 31 की है तो मैं 27 या 28 इंच की जो है वो इलास्टिक कट करूँगी। आपकी भी जो कमर हो उससे 2 से 3 से 4 इंच आप घटा लीजिए। यहाँ 27 इंच पे मैं जो है वो कट कर देती हूँ। तो आपकी कमर जितनी हो उससे 4 इंच घटा के, और उसके बाद आप इलास्टिक की मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको फोल्ड करके पहले कपड़े को सिल लेना है। जैसे हम सलवार में बनाते हैं या प्लाजो में बनाते हैं, सेम हमें इसमें भी वही चीज़ कर लेना है। आपको जो है वो ऐसे कपड़े को फोल्ड कर करके, और इतना गैप रहना चाहिए कि उसमें आपकी ये जो 1.5 इंच की 1 इंच की जो भी इलास्टिक, जिस मेजरमेंट की भी आप इलास्टिक लगाते हैं उतनी जगह उतना गैप होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमने छोड़ दी है, ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा। तो यहाँ पर सिलाई नहीं चलाई है, तो लगभग 1.5 से 2 इंच हमने सिलाई छोड़ दी है। तो यहाँ पे जो हमने सिलाई छोड़ी है, यहाँ से हम अपनी इलास्टिक को जो है वो एंटर करेंगे इसके अंदर। तो ये काफ़ी आसान तरीका है इलास्टिक वापस से डालने का। तो घर में अगर आपके पास कोई भी ऐसा, ये हमारे पास सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन का यूज़ करके हम बिल्कुल वैसे डाल लेंगे जैसे हम नाड़ा डालते हैं सलवार में या पेटीकोट में, सेम टू सेम वैसे ही डालेंगे। तो आपके पास कोई भी पैजामा या कोई भी आपके पास ऐसा पैंट हो जो ख़राब, उसकी क्वालिटी अभी अच्छी है, आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी इलास्टिक ढीली हो गई है तो आप उसे घर पे ऐसे बना सकते हैं। साथ में ही अगर कोई और, अगर सपोज़ अगर ऐसा नहीं है ऑप्शन आपके पास, कोई और डिज़ाइन का है, तो भी आप मुझे एक बार कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए हमने जो है वो डाल लिया है, दूसरा छोर हमने पकड़ के रखा है, और ये जो दोनों छोर है इसको हम सिलाई चला के और बहुत मजबूती के साथ जो है वो जॉइंट कर देंगे। तो काफ़ी अच्छे से सिलाई चलाएंगे ताकि ये बहुत मज़बूत हो जाए। टूटे ना। तो ये जो आपका कपड़ा बेकार पड़ा है वो आप वापस से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको फैला लेना है जॉइंट करने के बाद। ये हमारी इलास्टिक बन के रेडी है, देखिए हमने डाल दी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो गैप हमने छोड़ा था थोड़ा सा, जिस जहाँ से हमने इलास्टिक को एंटर किया, हम वहाँ पे भी सिलाई चला देंगे, उसको लॉक कर देंगे।
तो ये हमारा जो है वो प्लाज़ो फिर से रीयूज़ करने के लिए तैयार हो गया और हमारी इलास्टिक भी अच्छी से लग गई है, देख सकते हैं आप। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।